नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन चैनल पे। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में गुरुग्राम सीनियर बास्केटबॉल लीग का संकल्प स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को ट्रायल्स द्वारा सिलेक्ट किया गया और 8 टीमें बनाई गई। गुरुग्राम के बेस्ट खिलाड़ियों द्वारा इस लीग में हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम के आयोजक कोच आजाद सिंह ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और सभी आए मेहमानों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में हरभजन सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर होंडा, सत्यप्रिय डायरेक्टर RSP डेवलपर्स, प्रदीप श्रीवास्तव वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल यूनिवर्सिटी मुख्य अतिथि के रूप में फाइनल मैच में मौजूद रहे। लीग का फाइनल मुकाबला बॉम्बर्स वर्सेस ड्रीम टीम के बीच हुआ, जिसमें बॉम्बर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 76-61 के स्कोर से लीग का खिताब जीत लिया। आयोजकों का कहना है कि वो जल्द ही इस लीग का दूसरा भाग यानी सीजन 2 लेकर आएंगे और गुरुग्राम के बास्केटबॉल का स्तर और बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी है कि बास्केटबॉल में गुड़गांव में लीग शुरू कर रहे हैं। इससे जो भी यहाँ के प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा और ये गेम आगे बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा गेम है और इसमें पूरा विकास होता है व्यक्ति का। मुझे बड़ी खुशी है देख करके, मैं देख रहा हूँ कि स्टैंडर्ड भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है बास्केटबॉल का। सर, आप 10 साल इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं, क्या अनुभव करते हैं कि बास्केटबॉल का लेवल कैसा है इंडिया में? बास्केटबॉल लेवल अभी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है और बेसिकली स्पॉन्सरशिप जब मिलना शुरू हुआ है और लीग शुरू हुआ है, इससे काफ़ी प्रमोशन हुआ है इस गेम का। पहले ज़माने में इतना नहीं होता था। आप अपना थोड़ा सा स्ट्रगल बताएं, किस तरीके से आप बास्केटबॉल में आए? मैं बास्केटबॉल खेला हूँ, उसके बाद मैं टाटा में था, तो हमारे टाइम में बास्केटबॉल में कोई करियर नहीं होता था। तो बिकॉज मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने MBA किया था, तो इसलिए कुछ साल खेलने के बाद, क्योंकि स्पोर्ट्स बास्केटबॉल में इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हम लोग अपने प्रोफेशन में ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए मैं उस ज़माने में मैंने जल्दी खेलना बंद कर दिया, जो काफ़ी खेलने का स्कोप था उस ज़माने में। सर, संकल्प और यहाँ सभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ, इन्होंने बड़ा अच्छा संकल्प किया और संकल्प शुरू किया, तो उसके साथ मुझे आशा है कि बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी और ये पूरे गुड़गांव में नहीं, पूरे हरियाणा में संकल्प का विस्तार होगा। RSP डेवलपर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हमने आजाद साहब के जो इतनी बढ़िया एक इनिशिएटिव है उसके साथ लगने का जो निश्चय किया है और जो हमारी कंपनी है अपनी CSR के अंदर चाहिए कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव में डेवलप हो, आजाद साहब जैसी जो पर्सनैलिटी हैं जो इसको आगे लेके जा रही हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्स के लिए काम और बास्केटबॉल के लिए खुद ही बहुत ही डेडिकेटेड कोच है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनके लिए काम करने से। सर, मैंने सुना है कि आपने ही सर को ये संकल्प वर्ड दिया था जिसके नाम पे सर आज ये लीग करा रहे हैं। जो उनका आजाद साहब का जो जुनून और जो उनकी डेडिकेशन देखते हुए हमने ये वर्ड अपने आप ही हमारे जहन में आ गया कि इससे बड़ा जो उन्होंने बीड़ा उठाया है संकल्प ही उसके लिए एक आइडियल वर्ड है और उनकी
जो भी उनकी आने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन एनजीओ जो बना रहे हैं और वो स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़ता है और उनके पर्सनल पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। सर आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अभी इस लीग को, आपने क्या चीज़ प्रोवाइड कराई है लीग में? देखिए अभी तो हम मॉरल सपोर्ट है, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट है और लेकिन कंधे से कंधा मिला के चलेंगे आने वाले टाइम में, तो इसको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। आप सभी प्लेयर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ खेल रहे हैं? प्लेयर्स का लेवल देख के ही लग रहा है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, फाइनल इंटरनेशनल में कुछ जीतने के बहुत क्लोज हैं और इन लोगों को देखते हुए जो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं बड़े प्रभावित हैं, जो इनसे छोटी वाली जनरेशन को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर एनसीआर में पैदा होने वाले हैं। गुरुग्राम में ये लीग हो रही है, क्या देखते हैं कि किस तरीके का कल्चर एक डेवलप करा है संकल्प एकेडमी ने बास्केटबॉल के प्रति? सरकारी इनिशिएटिव्स जैसे सर्विसेज रेलवेज उनसे निकल के प्राइवेट लोग स्कूल अब आ रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि स्तर जो है वो अब दिल से खेलने वाले लोग आ रहे हैं और यही लोग आने वाले टाइम के ओलंपियन होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हैं कोर्ट्स वगैरह, ये वाला कोर्ट या बगल वाला जो कोर्ट है इसका निर्माण भी हम ही लोगों ने कराया है, ये होंडा के CSR इनिशिएटिव के तहत बनाए गए हैं और हम लोग यहाँ की बास्केटबॉल कम्युनिटी जो है उसको काफ़ी दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं और आज जब हम खेल का जो स्तर देख रहे हैं वो देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि स्तर में बहुत ही व्यापक सुधार हुआ है। सर आपने जो कोर्ट्स दिए हैं प्लेयर्स को या और एक कोर्ट जो आप देने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ कई 100 बच्चे इस कोर्ट्स का फ़ायदा उठा के खेल रहे हैं, क्या लगता है कि कितना बास्केटबॉल अप होगा गुड़गांव में इन कोर्ट्स की मदद से? मुझे तो लगता है कि ये सारी सुविधाएं जब अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी और जिस जुनून से और जितनी मेहनत की जा रही है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ी गुड़गांव से निकलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो सभी यहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए खेल को पूरे जुनून के साथ खेलना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस ही है जो आपके खेल में लगातार निखार लाती है, तो उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए और एक डिसिप्लिन जो है समय पर खेलने का, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का, वो रहना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे संकल्प के लिए और जिन्होंने आज ये टूर्नामेंट रखा है आप जहाँ हैं? मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा खेल को और खिलाड़ियों दोनों को ही व्यापक स्तर पर मिलेगा।